नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। स्थानीय लोग जिस पीर को दादा हुजूर कहते हैं वो 19वीं सदी के सूफी संत थे। इन्होंने शिक्षा और समाज सुधार को लेकर कई काम किए थे। दादा हुजूर यानी अबू बकर सिद्दीकी ने कई अनाथालय, मदरसे और कई स्वास्थ्य केंद्र बनाए। फुरफुरा शरीफ में दादा हुजूर का ही मजार है। फुरफुरा शरीफ हुगली जिले में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 44 किलोमीटर दूर है। इस मजार पर हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना और दिंजापुर जिले के बड़ी संख्या में मुसलमान दुआ मांगने आते हैं। असम और बांग्लादेश के भी मुसलमान यहां पर आते हैं। इस पूरे इलाके में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां मुसलमानों की तादाद 27% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में पहले के चुनावों में भी फुरफुरा शरीफ में नेता आते थे और पीरजादाओं से मुलाकात कर पीर हजरत के मजार पर प्रार्थना करते थे। लेकिन इस साल फुरफुरा शरीफ दूसरी वजहों से चर्चा में है। पहली बार एक पीरजादा चुनाव लड़ रहा है। 35 साल के अब्बास सिद्दीकी यानी कि दादा हुजूर के पड़पोते ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF नाम की एक पार्टी बनाई। इस पार्टी के गठन के तत्काल बाद लेफ्ट फ्रंट ने उन्हें गले लगा लिया। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट का गठबंधन पहले से ही था, लेकिन इसमें ISF भी आ गया। मजार से महज 300 मीटर की दूरी पर अब्बास सिद्दीकी का घर है, यहीं पर उनका परिवार रहता है। अब्बास सिद्दीकी अचानक से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। वाम मोर्चे में आने से पहले सिद्दीकी की बात हैदराबाद के सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से चल रही थी। दोनों एक दूसरे के घर पर भी गए थे। उसके बाद से अब्बास और चर्चा में आ गए थे। जहां तक बात अब्बास सिद्दीकी के ओवैसी के साथ जुड़ने की है, तो सिद्दीकी कहते हैं कि उन्हें BJP को छोड़कर किसी भी और पार्टी से दिक्कत नहीं है। उन्होंने पहले TMC से बात की थी और 44 सीटों की मांग की थी, लेकिन ममता ने इनकार कर दिया था। फिर वाम मोर्चा 30 सीट देने के लिए तैयार हो गया तो सिद्दीकी ने इसे स्वीकार कर दिया। अब्बास सिद्दीकी के मुताबिक उन्होंने ओवैसी से भी बात की थी, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कुछ दिक्कतें थी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं समीकरण बिगड़ ना जाए। कुछ सवाल उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से पूछे थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया था, ऐसा उनका कहना है। अब्बास सिद्दीकी ने अतीत में कई इस्लामिक जलसों में काफी आक्रामक भाषण दिए हैं। उन्होंने एक बार TMC के सांसद नुसरत जहां और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिजाब पहनने के लिए उन पर जुबानी हमला किया और कहा कि ममता बनर्जी ऐसा करके मुसलमानों को बेवकूफ बना रही हैं। सिद्दीकी कहते हैं कि ममता बनर्जी के हिजाब पहनने से मुसलमानों का भला नहीं होगा, बल्कि उन्हें स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ममता के हिजाब और कोलकाता के मेयर बॉबी हकीम के दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर अब्बास सिद्दीकी कहते हैं, गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आपको मुझसे मिलने के लिए सिर पर टोपी या हिजाब लगाने की जरूरत नहीं है। इससे इस्लाम की इज्जत नहीं बढ़ जाएगी, ये कोई नियम नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सिर पर कपड़े रखना जरूरी है, लेकिन आप चुनाव के टाइम में ये सब करते हैं तो ये नाटक लगता है। ये इस्लाम का अपमान है। राजनीति से मजहब को दूर रखिए, इसका घालमेल मत करिए। अब्बास सिद्दीकी कहते हैं, मैं मुसलमान हूं, मंदिर में कभी नहीं जाता, लेकिन मैं मंदिर के खिलाफ भी नहीं हूं। ये एक सेक्युलर गणतंत्र है, सबको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में ड्रामे को शामिल करने के लिए नहीं कहा गया है। चुनाव के वक्त में मैं मंदिर में जाकर नारियल फोड़ने लगूं, धूप अगरबत्ती दिखाने लगूं, तो ये धर्म का फायदे के लिए इस्तेमाल करना हुआ, ना कि इससे हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ गई। हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मेरे नाटक की जरूरत नहीं है। सिद्दीकी कहते हैं कि मेयर अपना काम करे। वो कहते हैं, कोलकाता की सड़क पर रात में निकलिए तो हजारों बेघर हिंदू मिलेंगे, सड़क ही उनके लिए घर है। मंदिर में जाना हिंदुओं का आदर करना नहीं है, बल्कि ये नाटक है। मेयर को चाहिए कि बेघर हिंदुओं के लिए इंतजाम करे, ना कि दुर्गा पूजा कराने का नाटक करे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस चुनाव में अब्बास सिद्दीकी के पार्टी बनाने से क्या ममता बनर्जी को नुकसान होगा? गौरतलब है कि बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों से फुरफुरा शरीफ का मजबूत संबंध है।
तो इससे तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। फुरफुरा शरीफ बहुत ही समावेशी है, यहाँ हिंदू भी जाते हैं। अब्बास सिद्दीकी के पुराने भाषण आक्रामक हैं और महिला विरोधी हैं। हालांकि ममता को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव के वक्त मंदिर मस्जिद जाकर ड्रामा कर रही हैं, कभी खुद को हिंदू की बेटी बता रही हैं तो कभी ब्राह्मण की। बंगाल के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने में ममता बनर्जी का योगदान है। उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण किया है, इमाम खाता, कलमा पढ़ना और हिजाब लगाना, ये सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है। पिछले 2-4 साल में बंगाल की राजनीति में सांप्रदायिकता बढ़ी है। टीएमसी ने सत्ता पाने के लिए इस बहस को आगे बढ़ाया कि अगर मुसलमान उसे वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। टीएमसी भी बाकी कथित सेक्युलर पार्टीज की तरह इसी तर्क के आधार पर मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश कर रही है। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने जितने मुसलमानों को टिकट दिया था, इस बार नहीं दिया। टीएमसी की राजनीति अब एक्सपोज हो गई है। ममता बहुसंख्यकवाद की ही राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण 2019 के लोकसभा चुनाव में ही शुरू हो गया था और इस बार भी इसका असर दिख सकता है। अब्बास सिद्दीकी का भी मानना है कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं और इससे ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि टीएमसी नेता सौगत रॉय का कहना है कि ममता का चंडी पाठ करना और ला इलाहा करना धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है। अब्बास सिद्दीकी कहते हैं कि मुहर्रम के लिए ममता को दुर्गा पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं एक सेक्युलर नेता वो होगा जो मुहर्रम और दुर्गा पूजा दोनों साथ कराए, ना कि किसी एक के लिए किसी दूसरे को बंद कर दे। ममता की इसी राजनीति से ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला है। किसी मुसलमान ने दुर्गा पूजा को बाधित करने की मांग नहीं की थी, लेकिन ममता ने ऐसा मुसलमानों को खुश करने के लिए किया। उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमान दुर्गा पूजा बाधित करने से खुश नहीं होगा, बल्कि उसके लिए कुछ ठोस होगा तब उसे खुशी मिलेगी। मैं मानता हूं कि ममता ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया है। किसी और की सरकार में दुर्गा पूजा और मुहर्रम को लेकर दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ममता राज में क्यों समस्या हुई? नई पार्टी बनाने पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं का परिवार भी बटा हुआ है। अब्बास सिद्दीकी के चचेरे भाई मोहम्मद जियाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा, हम सूफी परंपरा से हैं और यहाँ सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। फुरफुरा शरीफ किसी पार्टी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं रहा है। ममता बनर्जी इस प्रदेश की ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो सभी मजहब को साथ लेकर चलती हैं। सीपीएम की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रबिन देव से पूछा कि अब्बास सिद्दीकी पीरजादा तो नुसरत जहां के बारे में आपत्तिजनक बातें करते हैं, ऐसे में उन नेताओं से आपका गठबंधन कितना तार्किक है? इस सवाल के जवाब में रबिन देव कहते हैं, हमने पहले ही अब्बास से कह दिया है कि ये सब नहीं चलेगा, हमें सबकी राजनीति करनी है और उसी लाइन पर अब्बास को भी चलना होगा। ये हमारा फर्ज है कि कोई गलत बोलता है तो उसे भी ठीक करके साथ में ले चले। सीपीएम को जमीनी हकीकत पता है कि बंगाल में पहचान की राजनीति जोर पकड़ रही है। ऐसे में उसने फुरफुरा शरीफ को साथ में लेकर उसी राजनीति को साधने की कोशिश की है। फुरफुरा शरीफ के अनुयायियों को सीपीएम के लिए नजरअंदाज करना आसान नहीं था। आईएसएफ से गठबंधन के लिए बीजेपी कांग्रेस और सीपीएम को घेर रही है। कांग्रेस इससे बचने की भी कोशिश कर रही है। बंगाल के अंदर जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं उससे ये साफ है कि ममता के लिए ये राह बहुत ही मुश्किल है। वो चारों खाने चित हो गई हैं, वो मैदान में अकेली पड़ गई हैं। उन्होंने काफी पहले ही ये कहा था कि वो अकेली चुनाव लड़ेंगी, जेल में भी चली जाएंगी तो भी चुनाव जीत जाएंगी। आज उन्हें उनका यही अहंकार महंगा पड़ रहा है। राजनीति में आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिस तरीके से ममता सत्ता से बाहर होती दिख रही है, उन्होंने ऐसी विदाई की कल्पना सपने में भी नहीं की होगी। कहते हैं कि अगर दुश्मन चोट पहुंचाता है तो वो इतना दर्दनाक नहीं होता जितना दर्द किसी खास के चोट देने से होता है। ममता और अब्बास सिद्दीकी का भी वही हाल है। कभी जो बेहद करीब था, आज वही ममता बनर्जी के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।